आज जो कविता मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये एक आम आदमी की आवाज है आतंकवाद के खिलाफ। आम आदमी जो अमन और चैन से जीना चाहता है, उसे भी ये आभास होने लगा है कि बंदूक ही बंदूक को काट सकती है। शांति और अमन अब बंदूक के सहारे ही हासिल की जा सकती है। कभी प्यार मांगता था, अब बंदूक मांगता हूं। या परवरदिगार तुझसे मैं भीख मांगता हूं। जे बंदूक अदा करना तो यूं ना अदा करना, उस बलवाई से पूछना, उस हरजाई से पूछना। उनको भी तो पता हो हम तिल मिला चुके हैं। बंदूक ही दवा है, बंदूक ही दुआ है। इस बंदूक की सरगर्मी सर पे सवार है। अब कहानी इस पार या कहानी उस पार है। बंदूक गर उठी तो त्राहिमाम होगा, कुछ इस पार होगा कुछ उस पार होगा। बंदूक की तपन से सब शर्मसार होंगे। क्या देश तेरा होगा, क्या देश मेरा होगा। बंदूक की अगन से वाकिफ है दुनिया सारी। क्या भेस तेरा होगा, क्या भेस मेरा होगा। बच्चों की फिक्र कर ले, बंदूक फिर मिलेगी। तुम भी बेबाक होगे, हम भी बेबाक होंगे। आ जाओ जानी आज हम लड़ने बेखौफ होके। क्या फेर तेरा होगा, क्या फेर मेरा होगा। इस फेर की हुंकार से दुनिया भुला न देना। बंदूक की मैकसी से सब कुछ जला न देना। कुछ पत्ते छोड़ देना, कुछ नगमे छोड़ देना। आने वाली नस्लों को कुछ तिलस्म छोड़ देना। जिस तरह लोहा ही लोहे को काटता है, बंदूक भी कटेगा बंदूक से पता है। इस प्यार के ही वास्ते बंदूक मांगता हूँ। या परवरदिगार तुझसे मैं भीख मांगता हूँ।